गुड मॉर्निंग रेडियो, सुबह की शुरुआत हो रही है आज हमारी टमाटर चोरने के साथ। जब से ये आई है दगड़ियों, सब्जी की कोई टेंशन नहीं है, कभी कुछ चोर के लिए आती है कभी कुछ। आज भाई इसके हाथ पड़े हैं ये टमाटर छोटे वाले। कौन से टमाटर होते हैं ये? पता नहीं। ग्वेंटी ग्वेंटी टमाटर। आ दगड़ियों, हमको कुछ देर के बाद यहाँ पे आज श्राद्ध है चचा लोगों का, यहाँ पे जाना है, भात आज बन रहा है। हमारा भी ठीक हो रहा है 2-3 दिन से दोस्तों। ये चचा लोग 2-3 दिन बड़े आ रहा है मेरे यार, दगड़िया जो है श्राद्ध में खाने को मिल जा रहा है। कल और नामकरण है ऊपर। ये दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हो रहा है 11:30 बजे से शुरू। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, आज जल्दी कर लिया था हमने, और उसके बाद फिर बब्बू चले गए थे दुकान को, तो वो अभी आए हैं घर। और ये जो सामने वाला घर है, चाचा जी लोगों के यहाँ आज श्राद्ध है, तो हम दोनों के लिए वहीं से निमंत्रण है भात खाने का। पापा जी के लिए भी है लेकिन उनको बुखार आया है, अब तो भात नहीं खाएंगे। उनके लिए हम मूंग की खिचड़ी बना रहे हैं। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो अभी तो धूप आ गई है, सुबह से थोड़ा मौसम आज चेंज हो रखा था, बादल लगे थे अभी, लेकिन खुल गया है अच्छे से। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो यहाँ पे पतिदेव जी बना रहे हैं पापा के लिए खिचड़ी मूंग की। ये अच्छी खिचड़ी बनाते हैं, मुझसे अच्छी नहीं बनती है वो पानी पानी वाली। और हम दोनों को है श्राद्ध में न्योता चाची के यहाँ। दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 4 और मैं आज बनाने जा रही हूँ मोमोज, क्योंकि दिन में दोस्तों मैंने भात खाया और दाल खाया तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, उसकी वजह से मैं सो गई थी। मैंने पतिदेव को बोला था कि 3 बजे आऊँगी। तो दोस्तों मोमोज़ की चटनी के लिए मैंने टमाटर और मिर्च, लाल मिर्च को उबालने के लिए रखा था, वो अब तैयार है। अब इसको थोड़ी देर बाद मैं ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पर मैंने पापा जी के लिए चाय भी रख दी है, और फटाफट से मैं मोमोज़ की स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो दोस्तों क्योंकि ना श्राद्ध चल रहे हैं तो प्याज तो डाल नहीं सकते, और मैंने लहसुन भी इसमें से स्किप कर दिया, तो मैं खाली वेज वाली ही बनाऊँगी मोमोज़। ट्राई करूँगी सेकंड बार, एक बार मैंने अपने घर में बनाए थे, सेकंड बार अब मैं अपने पति को खिलाऊँगी। बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि पेट में दर्द अभी भी बहुत हो रहा है, लेकिन उनको मैंने बोला है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मोमोज़ की स्टफिंग तैयार हो गई थी मेरे यहाँ पे, जैसे मैं इसको फ्राई करने वाली थी वैसे ही गैस ख़त्म हो गई, और मैंने पतिदेव को फ़ोन करके बोला है कि जल्दी से गैस सिलेंडर भिजवा दो। तो दोस्तों आज मैं वेज ही स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, खाली खाली मैंने इसमें पत्ता गोभी और सोयाबीन की बड़ी डाली है, और क्या कहते हैं प्याज डालती लेकिन श्राद्ध की वजह से वो स्किप कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लाल मिर्च और टमाटर भी अच्छे से पक गए थे, अब मैं इनको ग्राइंड करती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, हमारे पास में ग्राइंडर ख़राब हो रखा है, मतलब हमारा। अब मैं इसको सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, ऐसे काम चलाओ बना लेती हूँ। तो दोस्तों सिलबट्टे में भी मैंने मोमोज़ की चटनी भी तैयार कर ली थी अच्छे से, मतलब ये नहीं हुई लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गई है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ सॉस डाल के हल्का सा, फिर इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। तो बोला था मैंने उनको 3 बजे लाने के लिए, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया था। अब हो गए हैं 4:30 और 5 बजने वाले हैं यहाँ तो, लेकिन मेरा अभी तक मोमोज़ तैयार नहीं हुआ है। मैं स्टफिंग को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैंने अभी मोमो भी स्टीम करने हैं, तब तक तो 6 ही बज जाएंगे लगता है। तो मैदा गूंथ के मैंने रख दिया था, अब इसको थोड़ा 10 मिनट के लिए मैंने तेल लगा के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा ना। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय भी रख दिया, थोड़ा मेरे पेट में दर्द तो ठीक हो गया, अभी थोड़ा चाय पीती हूँ। चटनी और स्टफिंग तैयार है, बस मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसी में मैं स्टीम करूँगी, हमारे पास वो वाली बर्तन तो है नहीं। तो दोस्तों आप भी ट्राई करना अपने घर में, अपने हाथ से अच्छे लगते हैं चाहे कैसा भी हो, क्योंकि हमें पता रहता है ना कि हम कैसे बना रहे हैं। दोस्तों मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे मोमो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने थोड़ी बना भी दी, मुझे अच्छे से बनाने तो नहीं आते लेकिन मैंने ट्राई करा, ठीक ठाक बने, फटाफट बना के भेजती हूँ दुकान को। तो दोस्तों मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था और ऊपर से पानी भी गर्म, नीचे से पानी गर्म हो गया है, और मैं ये वाले मोमो इसमें स्टीम करने के लिए डाल देती हूँ, तब तक हाफ स्टीम हो जाएंगे। बाकी मोमोज और मुझे बनाने हैं थोड़े, तब तक इनको हाफ स्टीम करके थोड़ा निकाल लूँगी, उसके बाद जब खाएँगे तब और बना लूँगी। तो दोस्तों मैंने ये रख दिए थे फ्राई करने के लिए, स्टीम होने के लिए,
देखते हैं कितना हो गया। लगभग लगभग बन गए हैं ये, बस 10 मिनट और इनको स्टीम करती हूँ, फिर उसके बाद भेज देती हूँ पतिदेव के लिए। तो दोस्तों 6:30 होने वाला है, मोमो अभी अच्छे से स्टीम ही हुए हैं। पापा जी भी कह रहे हैं कि अब रात को ही खाएंगे करके। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि आपके लिए मैं 3:30 बजे लाऊंगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, मैं अभी अब घर ही आके खाऊंगा। तो दोस्तों कल हमारी मम्मी जी का, परसों हमारी मम्मी का भी श्राद्ध है, तो कल उनका भी फास्ट रहेगा, तो कह रहे हैं कि आज ही पेट भर के खा लूँगा बोला। तो दोस्तों अब मैं भी अपने शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। आज आलू की सब्ज़ी बनानी है मेरे को, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ है नहीं ना, गाड़ी नहीं आ रखी है तब से, और यहाँ भी अब जो लगा था सब खा लिया, कद्दू भी छोटे छोटे हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर बाद। दोस्तों पतिदेव का आने का टाइम हो गया है, वही मैंने मोमो को गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया आलू उबालने के लिए, क्योंकि पापा का मन आज आलू के गुटके खाने का कर रहा है, तो मुझसे कह रहे थे कि आज आलू के गुटके बना दे। मैंने कहा ठीक है, आज सब्ज़ी भी आलू ही थी, दूसरी सब्ज़ी भी नहीं थी। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पतिदेव आएंगे ना, मैं आप सबको उनका रिएक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि 3 बजे लाऊंगी, और अभी तक मैं आप सबसे पहले आप सभी लोगों को उनका रिएक्शन दिखाऊंगी, वो कैसे बिहेव करते हैं। पतिदेव जी घर आ गए हैं और इनका रिएक्शन क्या, तो ग्रेटेड मॉडल को तोड़े हैं। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। आज मैंने आपको कुछ बोला था, क्या भूल गए आप? क्या बोला था यार? मोमोज के लिए। क्या फिर मोमोज के लिए भूल गए आप? मैंने कहा था 4 बजे लाऊंगी करके। कहाँ लाऊंगे ये 4 बजे बने ही नहीं थे, अरे यार मेरे पे इतना टाइम तो लग ही जाता है ना। ये मैंने भी यही बोला था दोस्तों, अभी ब्लॉग में देखा मेरे और मेरे पतिदेव की थॉट्स कितने मिलते हैं, मैंने भी यही बोला था कि वो ऐसा बोल रहे थे। कहाँ? तो दोस्तों फाइनली 3 घंटे के बाद बन गए हमारे वो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब चख के देखते हैं कैसे बने हैं। दोस्तों 3 घंटे लगे मुझे ये मोमो बनाने में, और सबसे अच्छी तो मुझे इसकी चटनी लग रही है, इसमें ना लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसको थोड़ा फ्राई करके इसमें थोड़ा टमाटो सॉस डाला और सोया सॉस भी डाला, तो अब इसकी जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अब मास्टर साहब बताएगा ना बताएगा। कैसा हो रहा है बताओ? बबरे अच्छा हो रहा है, मज़ा आया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। दोस्तों जो इसकी स्टफिंग थी ना, वो मैंने वेज पूरी वेज रखी थी, तो इसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारी मत खा देना, पापा भी हैं मैं भी हूँ, तो ही खाओ। तो दोस्तों इनको अच्छे लगे हैं, अब मैं भी ट्राई करके बताऊंगी कैसे हुए मेरे हाथ के मोमो। तो हमारा खाना पीना तैयार हो गया है, पापा जी को मैंने खाना दे दिया है, वो खाने लग गए हैं और हम भी अब खाते हैं। बाकी मोमो तो सारे ख़त्म हो गए हैं, 2 ही बचे हैं। थोड़ा मैंने चाची को भी दे दी थी, क्योंकि आप कुछ बनाओ तो अच्छा नहीं लगता ना, अगल बगल में है तो दे दिए। क्या देख रहे हो ऐसे? तो अब ये पता नहीं क्या बनाने में लग गए हैं। मैंने ही कहा था मेरे लिए लस्सी बना दो, मेरे को लस्सी पीने का मन कर रहा है, तो मैं अपने लिए लस्सी बना रही हूँ, और इनके लिए बन गई रोटी, आलू के गुटके, दही। खाते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों 8:30 हो गया है और हमारा खाना पीना भी हो गया है, अब मुझको भी नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ आज मोमो बना बना के, क्योंकि कल जल्दी उठना है और मम्मी का परसों श्राद्ध है, तो कल इनका हबीक है, इनके वहाँ बोलते हैं एका भगत, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? हबीक, हबीक अल हबीबी। एका भगत है। तो अब आज के वीडियो को भी एंड करने का समय आ चुका है, अब तक इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल में जो नए जुड़े हैं ना सब्सक्राइब कर, बेल बटन घनवलिया होने एक था। तो दोस्तों बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी लोग स्वस्थ रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।